हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घर का खाना सुमैया सैयद रेसिपीज। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू पालक की सब्जी बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी और हेल्दी बनेंगी अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो। बहुत ही इजीली अवेलेबल चीजों से बनेगी, तो इसके लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी कोई स्टेप रह न जाए। ये सब्जी बड़ों से लेके बच्चों तक सबको जरूर पसंद आएगी, तो जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो आइए इनको बनाना हम शुरू करते हैं। इस आलू पालक की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल पालक ली हुई है, यानी कि 350 ग्राम। इसको मैंने पहले से धो लिया और उसके बाद इसको कट किया। आप जब भी पालक की सब्जी बनाएंगे तो पहले इसको वॉश कर ले। इसमें ऐसा करने से जो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो इसमें बनी रहती है, वरना हम पहले इसको काट ले बाद में धोते हैं तो इसके सारे न्यूट्रिशन पानी के साथ ही बह जाते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इनको हमने इस तरह के क्यूब में कट किया है। इनको हमने पानी में भिगो के रखा है ताकि ऑक्सीडाइज ना हो, यानी कि ये काले ना पड़े। इसके अलावा हमने 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप करके रखा है। 3 मीडियम साइज के टमाटर को भी हमने बारीक चॉप किया है। 2 साबुत मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 चुटकी हींग। हींग यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। 8 से 10 लहसुन के क्लोव्स को हमने यहाँ बारीक चॉप किया है। 2 हरी मिर्च कटी हुई, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग भी यहाँ हरी मिर्च ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून नमक लेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे। तो इसको बनाना हम शुरू करते हैं। एक पैन में हम 2 टेबलस्पून के करीब तेल को गर्म करेंगे। हमने यहाँ सनफ्लावर ऑयल लिया है, आप चाहे तो यहाँ रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आलू डाल देंगे और 3 से 4 मिनट हम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको हल्का सा गुलाबी हो जाने तक फ्राई किया है। आलू को फ्राई करने से आलू पालक का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है, तो जरूर इसको फ्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हम इन आलू को निकाल लेंगे। 1/3 के करीब तेल और डालेंगे हम यहाँ। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जीरा, हींग और साबुत लाल मिर्च डालेंगे, और साथ ही में हम डालेंगे प्याज कटी हुई, लहसुन भी डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। हरी मिर्च भी डालेंगे कटी हुई, और इन सभी को हल्का गुलाबी हो जाने तक हम फ्राई करेंगे। सभी पाउडर मसाले डालेंगे, 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे ताकि ये मसाले जले नहीं। 2 मिनट इसे अच्छे से भून लेंगे। नेक्स्ट हम पालक भी ऐड करेंगे, टमाटर भी डालेंगे, फ्राई किए हुए आलू भी डालेंगे, अच्छे से इन सभी को मिला देंगे। हमें यहाँ पर पानी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पालक और टमाटर अपना पानी छोड़ते हैं। और इसको ढककर हम 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। आलू पालक को यहाँ पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और हमारे आलू और पालक गल चुके हैं। और गैस की फ्लेम को हम यहाँ हाई करके इसका पानी ड्राई कर लेंगे और भून लेंगे हम इसे, जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। हम यहाँ गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। हरा धनिया गार्निश करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और हम इसको सर्व करेंगे। और तैयार है हमारी आलू पालक की सब्जी। लीजिए, तैयार है हमारी आलू पालक की टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी। आप इसको पराठों से, चपाती से या फिर चावल से सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, तो इस टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।